ऑल्ट बालाजी एक ऐसा OTT प्लेटफॉर्म है जिसने उतनी अच्छी वेब सीरीज नहीं दी है, लेकिन फिर भी ऑल्ट बालाजी पे कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जिनकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, जो कि हमको थोड़ी भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ऑल्ट बालाजी की टॉप 5 ऐसी बेस्ट वेब सीरीज के बारे में, जो कि हम सभी के लिए एक मस्ट वॉच वेब सीरीज हो सकती है, क्योंकि इन सारे वेब सीरीज की स्टोरी बाकी सीरीज की स्टोरी से थोड़ी अलग है और ये सीरीज आपको एंड तक अपने साथ हुक करके रख सकती है। तो इसके लिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं बोलते हैं दैट दे टेक टाइम टू गेट यू नो लेट्स टेल देम सम अदर टाइम बट नो लेट्स टेल देम दैट देयर मॉम इज अ स्लट बेटर देन सेइंग दैट देयर फादर इज गे। हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे है हिज स्टोरी। इस सीरीज की स्टोरी बाकी सीरीज की स्टोरी से थोड़ी अलग है और हो सकता है कि ये सीरीज आपको उतनी ना पसंद आए। तो बात करते हैं सीरीज की स्टोरी की। सीरीज की शुरुआत होती है एक फैमिली से जिसमें सब कुछ ठीक चल रहा होता है। साक्षी और कुणाल जो कि एक कपल है और पिछले 20 सालों से एक अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, और इनका एक रेस्टोरेंट होता है जो कि दोनों मिल के संभाल रहे होते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बाद भी सब कुछ बदल जाता है जब उसकी वाइफ को पता चलता है कि उसका पति कुणाल एक गे है और उसका किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा होता है। लेकिन अब इन दोनों के बच्चे भी होते हैं और जब सबको सब कुछ पता चलने वाला होता है तो ये लोग सब चीज़ें कैसे मैनेज करते और उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या सोसाइटी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज में टोटल 11 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 30 मिनट लंबे हैं। नंबर 4 कोड M। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं और दूसरे सीजन की शुरुआत होती है एक झगड़े से जहां पे इंडियन आर्मी कुछ आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और इतने में 2 आतंकवादी मारे जाते हैं और इंडिया का एक सोल्जर भी शहीद हो जाता है। लेकिन ये स्टोरी एक ऑफिशियल स्टोरी है और इस स्टोरी की रियलिटी किसी को भी नहीं पता, क्योंकि कुछ गांव वालों का मानना होता है कि जिन 2 आतंकवादियों को इंडियन सोल्जर ने मारा होता है वो रियलिटी में आतंकवादी होते ही नहीं है। लेकिन गांव वालों की बातों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है और सीरीज में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इन दोनों में से एक की माँ ने खुद को आग लगा के मार लिया होता है, जिसके बाद ये केस हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए मोनिका मेहरा को बुलाया जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, क्या वो रियली में आतंकवादी होते हैं या नहीं और उस औरत ने अपने आप को क्यों आग लगाया होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं ईच। थर्ड नंबर की सीरीज है द टेस्ट केस। इस सीरीज की स्टोरी फोकस करती है एक आर्मी ट्रेनिंग पे जिसमें दिखाया गया है कि आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हो रही होती है। लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आ जाता है जब इस ट्रेनिंग में एक लेडी आर्मी ऑफिसर भी आ जाती है और बाकी लोग नहीं चाहते कि वो इस फोर्स में सिलेक्ट हो क्योंकि वो एक लड़की है, जिसके बाद सब लोग उसको उस कैंप से बाहर निकालने का प्लान करने लगते हैं। सिलेक्शन के टाइम कुछ ऐसा होता है जिससे उस लेडी को उस कैंप से बाहर जाना पड़ता है और इसके बाद वो अपना बदला लेने के लिए रिटर्न आती है और क्या कुछ करती है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में टोटल 11 एपिसोड्स हैं जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं ईच। तुम मुझे मुझसे भी अच्छी तरह जानते हो। I fall in so hard कि दिलो दिमाग दोनों सुन हो गए। उससे मेरी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर की सीरीज है ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं लेकिन हम रिव्यू करने वाले हैं 3rd सीजन की, जिसकी स्टोरी मेनली 2 लोगों पे फोकस करती है। पहला अगस्त्या राव और दूसरी है रूमी। अगस्त्या एक थिएटर ग्रुप चलाता है लेकिन वो हमेशा गुस्से में और अपने ईगो में ही रहता है, जिसके वजह से लोग उसके ग्रुप से अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कि उसका भाई भी अलग हो जाता है जो कि उसको फाइनेंस कर रहा होता है और अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी होती है। और इतने में सीरीज़ में ट्विस्ट आता है, रूमी नाम की एक लड़की आदिता का थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लेती है जो कि एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। अगस्त्या उसके प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, फिर भी वो उसके क्लोज चला जाता है और जो रूमी है वो अगस्त्या को सिर्फ यूज़ कर रही होती है। और इसके बाद जो कुछ होता है वो सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा कि रूमी अगस्त्या को क्यों यूज़ कर रही होती है। सीरीज़ में टोटल 10 एपिसोड्स हैं जो कि 25 से 30 मिनट लंबे हैं। फर्स्ट नंबर की सीरीज़ बताने से पहले एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक आपको कोई भी रिव्यू पसंद आया होगा तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। चाय, कॉफी, ठंडा। हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर की सीरीज है कार्टल। इस सीरीज की स्टोरी गैंगस्टर
और उनके झगड़े के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज में हमको दिखाया गया कि मुंबई शहर में अलग अलग शहर के 5 क्रिमिनल गैंग्स अपना इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं और इन 5ों क्रिमिनल गैंग्स में कोई झगड़ा ना हो इसलिए रानी माई ने इन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। रानी माई इन सब की लीडर होती है, लेकिन सीरीज में ट्विस्ट तब आ जाता है जब रानी माई पे किसी ने फायरिंग कर दिया होता है जिसके बाद से वो कोमा में चली जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रानी माई पे अटैक किसने किया था और क्यों, और रानी माई के बाद उनकी जगह कौन लेगा। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज में टोटल 14 एपिसोड्स हैं जो कि 35 से 45 मिनट लंबे हैं। तो ये थी हमारी ऑल्ट बालाजी की कुछ ऐसी वेब सीरीज जो कि आप सभी को एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए, और अगर आपको ऑल्ट बालाजी की कोई और बेस्ट वेब सीरीज पता होगी तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। और मूवीज़ और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।